नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने बीएससी पार्ट थर्ड की अपन बात कर रहे हैं, जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन देखी थी और उसके अंदर जनरेटर निकालना मैंने सीखा था। तो दोस्तों, अपन ने ये सीखा था कि कोई भी ग्रुप चक्रीय ग्रुप कब कहलाता है, जब उस ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो कि उस ग्रुप के अन्य एलिमेंटों को उस एलिमेंट की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है, चक्रीय ग्रुप कहलाता है। और जिस एलिमेंट की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा रहा है वो उस ग्रुप का क्या कहलाता है, वो जनरेटर कहलाता है, वो उस ग्रुप का जनक कहलाता है। फिर हमने एक और देखा था कि कोई भी ग्रुप चक्रीय ग्रुप है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी कोटि का मान, जिसकी कोटि का मान ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। जैसे अपन ने ग्रुप देखा था 1-1 आइटम -आइटम, तो उसमें 1 तो आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी किसी भी ग्रुप का जनरेटर नहीं होता है। अब उसमें आयोटा का जो ऑर्डर देखा था वो था 4 और ग्रुप का ऑर्डर भी 4 था, इस कारण आयोटा उसका जनरेटर हो गया। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट टाइम पे अपन ने एक थ्योरम भी की थी कि किसी भी ग्रुप में जैसे ए एलिमेंट है, अगर ए एलिमेंट किसी भी ग्रुप का जनक है तो ए का जो इनवर्स होता है, ए इनवर्स भी हमेशा उसका क्या होता है, जनरेटर होता है। आज अपन कुछ थ्योरम देखेंगे। तो दोस्तों, एक चीज अपन में ध्यान रखना है कि जैसे ग्रुप है, मान लो एक ग्रुप के आगे अपन बात करते हैं अभी ग्रुप की, ठीक है, और अबेलियन से बात करते हैं साइक्लिक की। जैसे एक मैंने लिखा ग्रुप, एक लिखा अबेलियन ग्रुप, एक लिखा साइक्लिक ग्रुप, ठीक। अगर दोस्तों अपना कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक है तो अबेलियन हमेशा होगा, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा और ग्रुप है तो ट्रिगर ग्रुप भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपने साइक्लिक दिया है इसका मतलब वो ग्रुप ही है और अबेलियन भी है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं है और ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है। कहने का मतलब, अगर अपना ग्रुप है तो आप ये नहीं कह सकते वो अबेलियन ग्रुप होगा, आपको ग्रुप दिया है तो आप नहीं कह सकते कि अबेलियन ग्रुप होगा, क्यों, क्योंकि उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा वरना अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। अच्छा, अबेलियन ग्रुप है तो भी आप साइक्लिक नहीं बोल सकते, कोई भी ग्रुप अबेलियन है तो भी साइक्लिक नहीं बोल सकते, क्योंकि साइक्लिक की तो डेफिनेशन ही अलग होती है। साइक्लिक के अंदर तो एक कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिसका ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, तब वो साइक्लिक है। तो ध्यान रखना है कि हमेशा साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, अबेलियन है तो ग्रुप है, लेकिन ग्रुप है तो अबेलियन होना जरूरी नहीं और अबेलियन है उसका साइक्लिक होना जरूरी है, एक तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। आज अपने 3 को थ्योरम बचे हुए हैं, आज अपन फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ये वाला जो लेक्चर है उस लेक्चर में अपन फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। एक थ्योरम है, अच्छी थ्योरम है। थ्योरम क्या है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, थ्योरम है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप अबेलियन होता है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। दोस्तों, ये जो होता है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप होता है वो अभिन्न ग्रुप होता है, लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। तो वही बात है, साइक्लिक है तो अभिन्न है, लेकिन अभिन्न है तो साइक्लिक होना जरूरी है, तो इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। तो ये प्रूव करने के लिए कोई भी काउंटर एग्जाम्पल का यूज करेंगे। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब है कि अपन ऐसे बता दें कि कोई ग्रुप अबेलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं, तो फिर वो काउंटर एग्जाम्पल हो जाए, ठीक है दोस्तों। पहले इसको प्रूव करते हैं, फिर इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव पार्ट में चलते हैं, देखो आपको एक चक्रीय ग्रुप को लेके चलना है, चक्रीय ग्रुप लेके चलना अबेलियन बताना है। तो माना कि जी एक ग्रुप है, जी एक चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप लेके चलना है। माना कि जी एक सक्रिय ग्रुप है,
इसका तथा ए इसका जनक है। जी एक चक्रीय रूप है और ई इसका जनक है, अर्थात ये लिखा जा सकता है कि ग्रुप को ऐसे लिखा जा सकता है लास्ट ट्रांजिशन या फिर एक चक्रीय ग्रुप को दर्शाने का तरीका। क्योंकि अब देखो जी चक्रीय ग्रुप है ए जनक है, तो बताओ ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट को जनक की पूर्णांक मान तो भी उसमें लिखा जा सकता है, मैं कह सकता हूँ इसलिए जी का प्रत्येक एलिमेंट, जी का प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक अवयव ए की पूर्णांक धातु के रूप में लिखा जा सकता है, पूर्णांक धातु के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि चक्रीय ग्रुप की परिभाषा ही तो लिखी है जी चक्रीय ग्रुप है ए जनक है, तो ये अपन ने जनक की परिभाषा लिख दी ऐसे मान ली, या फिर चक्रीय ग्रुप की परिभाषा लिख दी कि जो जी का प्रत्येक एलिमेंट वो एक पूर्णांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब जी चक्रीय है उसको अबेलियन बताना, अबेलियन बताएंगे तो कोई ना, अबेलियन का मतलब कम्यूटेटिव बताना है, कम्यूटेटिव बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी, अब x और y g में ले, तो बताओ g के तो प्रत्येक एलिमेंट को एक ही पूर्णांक धातु के रूप में लिखा जा सकता है, तो x और y इस प्रकार है कि x बराबर तो आप मान लो k की पावर है और y बराबर मान लो आप a की पावर है, तो m और n क्या है, m और n m और n पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि g के एलिमेंट उनको एक ही पूर्णांक धातु के रूप में होंगे, एक को अपन जनक मान है तो x और y मान लो, ठीक है। अब दोस्तों देखो आप एक्स वाई करो, एक बार एक्स इंटू वाई करो, एक्स वाई करोगे तो आप लिखोगे ए की पावर है और ए की पावर है एक्स इंटू वाई, आधार समान है तो एम प्लस एन लिख सकते हैं। अब देखो कि एम एन एन है वो क्या है, अपने पूर्णांक है, तो पूर्णांक को तो चाहे एम प्लस एन लिख दो चाहे एम प्लस एन लिख दो, बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को मैं दोस्तों ये क्यों लिख सकता हूँ, ए की पावर एन इंटू ए की पावर एक बार को एन प्लस एन लिख दिया और फिर इस चीज को ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन लिख दिया और फिर ए की पावर एन को वाई इंटू एक्स लिख दिया, तो आप एक्स इंटू वाई लेके चले थे वाई इंटू एक्स को कर दिया, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि एक्स इंटू वाई बराबर वाई इंटू एक्स और एक्स को वाई इंटू जी। इसका मतलब क्या है कि जी बी एन अबेलियन, तो जी को साइक्लिक लेके चले गए और अबेलियन से कर दिया। अब दोस्तों मेरे को ये बताना है कि इसका विलोम सत्य नहीं होता, मतलब अबेलियन तो है लेकिन उसका साइक्लिक होना जरूरी नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, सदैव सत्य नहीं होता, तो कम से कम एक एग्जांपल अपने को ऐसा मिल जाए तो अबेलियन तो है लेकिन साइक्लिक नहीं, तो एग्जांपल लिख देंगे तो अपने को ये एग्जांपल क्या याद रखना पड़ेगा, एग्जांपल का लिख ही एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा लेकिन अबेलियन ग्रुप का, लेकिन अबेलियन ग्रुप का, लेकिन अबेलियन ग्रुप का साइक्लिक होना क्या नहीं होता, आवश्यक नहीं होता, लेकिन अबेलियन ग्रुप का साइक्लिक होना आवश्यक नहीं होता। और इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे, इसे हम एक उदाहरण की सहायता से करते करेंगे। उदाहरण क्या है, मान लो कि जी एक ग्रुप है और जी कौन सा ग्रुप है, मैट्रिक्स ऑफ ग्रुप, ये दोस्तों ये एग्जांपल आपको याद रखना है, जैसे आई ए बी सी ए, अच्छा ये लिखना है जैसे आपके आई ए बी सी क्या है,
जहाँ आई हैव टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जैसे 1 0 0 1 आई जो ए है दो क्रॉस टू की मैट्रिक्स जो ए है -1 0 0 1 जो बी है वो है -1 0 0 0 -1 यहाँ पे और सी है वो क्या है -1 0 0 -1 चार मैट्रिक्स नहीं क्या मान लो जी मैट्रिक्स वन संख्या की बात है मैट्रिक्स वन संक्रिया के साथ अगले ग्रुप बनाता है आप इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसका अगले ग्रुप है क्योंकि क्लोजर एसोसिएट वैसे कुछ ना पहले भी किए थे तो आपको भी एक नई मैट्रिक्स गुणन संख्या के लिए क्या बनाता है अगले ग्रुप बनाता है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें ये है वो अभिलेख को बना रहा है लेकिन साइक्लिक में देखो क्या चूंकि आई आई तो अपना है 1 0 0 1 ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है इसको का तो आइडेंटिटी एलिमेंट का तो मैं ये लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ आई बराबर तो वन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो हमेशा लिखता हूँ क्या है उसके बाद में ए की बात है ए अपना दे रहा है -1 0 0 1 आप ए स्क्वायर निकालो दोस्तों ए स्क्वायर करोगे तो आप करोगे -1 0 0 1 और उसको आप करोगे -1 0 0 1 से तो ये बनेगा अपना 1 0 0 1 फार्मूला का ये बनेगा तो ये बताओ आइडेंटिटी ए स्क्वायर करके आइडेंटिटी आ गई इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना है ऑर्डर ऑफ ए बराबर 2 है बी की बात करूँ तो बी क्या है यहाँ 1 0 0 -1 अब बी स्क्वायर निकाल दो बी के द्वारा नहीं कितने क्या बी स्क्वायर निकालोगे तो 0 1 0 0 -1 और 1 0 0 -1 गुणाकार चले जाएंगे तो अपना आएगा 1 0 0 इसका मतलब टोटल बी भी कितना हो गया टोटल बी भी 2 हो गया इसके बाद में सी की बात करें तो सी जो है वो है -1 0 0 -1 सी स्क्वायर करोगे तो -1 0 0 -1 और यहाँ से -1 0 0 -1 तो ये बन गया 1 0 0 इसका मतलब तो सी बराबर कितना हो गया 2 हो गया तो मेरे को बताओ इसमें आइडेंटिटी भी ठीक है आइडेंटिटी के अलावा कोई भी असाइनमेंट आ रहा है कि जिसका ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है आइडेंटिटी के अलावा कोई भी असाइनमेंट नहीं आ रहा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है और ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4 क्योंकि 4 एलिमेंट है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ ग्रुप जी में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं है किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या नहीं है 4 नहीं है अतः G1 अभिलेखन ग्रुप है बट साइक्लिक नहीं क्योंकि अपने को कोई चेंज नहीं मिल रहा है तो साइक्लिक ग्रुप कैसे हो सकता है दोस्तों अपनी ये थ्योरम थी जिसके अंदर अपने को ये बताना था कि प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप होता है वो अबेलियन होता है लेकिन अबेलियन का साइक्लिक होना जरूरी नहीं तो अपन ये काउंटर एग्जाम्पल देके बता दिया तो ये एग्जाम्पल अपने को लर्न करना है एक बार आप इसको उतारो फिर अपन आगे चलते हैं अब जो थ्योरम आएगी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम आएगी वो कॉम्पिटिशन में भी आती है अभी फर्स्ट ग्रेड में भी आई थी
कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केवल और केवल दो जन्म होते हैं, एग्जैक्टली दो जन्म होते हैं ये थ्योरम है। तो मैं इसको करता हूँ, थ्योरम क्या है दोस्तों, थ्योरम है कि प्रत्येक एग्रीगेट, प्रत्येक अपरिमित ईच इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, प्रत्येक अपरिमित साइक्लिक ग्रुप चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो और प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो जन्म होते हैं। प्रत्येक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के दो और केवल दो का मतलब है एग्जैक्टली दो जन्म होते हैं, प्रत्येक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के एग्जैक्टली दो जन्म होते हैं, ये अपने को बताना है दोस्तों। वैसे तो अपन ने ये पढ़ा था कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है उसके दो जनक होते हैं, लेकिन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, यहाँ कौन सा है इनफाइनाइट साइक्लिक, तो इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है अपने को। तो प्रूफ पार्ट में मैं चलता हूँ, क्योंकि एक तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लेना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ माना जी एक अपरिमित सक्रिय ग्रुप है, जी एक अपरिमित सक्रिय ग्रुप है तथा ए इसका जनक है, अर्थात क्योंकि चक्रीय लेगा क्या है तो जनक लेना पड़ेगा, अर्थात जी बराबर है चक्रीय ग्रुप, जी एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है और ए इसका जनक है। अब ए जनक है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ दोस्तों, अतः जी का प्रत्येक एलिमेंट, अतः जी का प्रत्येक एलिमेंट, जी का प्रत्येक अवयव, जी का प्रत्येक अवयव ए की पूर्णांक धातु के रूप में के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि चक्रीय ग्रुप की परिभाषा ना कि एक जनक है, जी का प्रत्येक एलिमेंट एक पूर्णांक धातु के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो मान लेते हैं कि लैट जैसे ए की पावर एम है वो कोई जी का एलिमेंट, और जी का एलिमेंट होगा ही क्यों, क्योंकि ए है वो जी का जनक है, तो जी के अंदर एलिमेंट है वो ए की पावर्स के रूप में होगी, तो ए की पावर एम है जी का है। अब देखो हाँ दोस्तों, जो ए की पावर एम है उसको आप ये भी तो लिख सकते हो ना ए इनवर्स की पावर माइनस है, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस है। अब देखो क्योंकि अगर m है वो इंटीजर है, यहाँ से m इंटीजर है तो बताओ माइनस m भी है वो इंटीजर होगा या नहीं होगा, पहली थ्योरम के जैसे ही करना है शुरू में, तो इसका माइनस m इंटीजर होगा, तो a की पावर m है वो उसको आपने a इनवर्स की इंटीजर पावर के रूप में लिख दिया, a की पावर m को a इनवर्स की इंटीजर पावर के रूप में लिख दिया, अर्थात अर्थात g के प्रत्येक अवयव को जी के प्रत्येक अवयव को ए इनवर्स की पूर्णांक धातु के रूप में भी लिखा जा सकता है, पूर्णांक धातु के रूप में भी जी के प्रत्येक एलिमेंट को
इनवर्स की तुलना धातु के रूप में भी लिखा जा सकता है। अतः इसका मतलब क्या हो गया, जी के प्रत्येक एलिमेंट को इनवर्स के पूर्णांक धातु के रूप में लिख दिया तो इनवर्स भी कितना हो गया। अतः आप ये लिख सकते हो कि अगर ए जनक है तो ए इनवर्स भी है उसका जनक, तो दो जनक बना दिए दोस्तों ए और ए इनवर्स, यहाँ तक तो ठीक है ए और ए इनवर्स दो जनक बता दिए। लेकिन अब ये दोनों जनक, ये दो जनक होंगे कब होंगे, अगर दोनों अलग अलग हो, मान लो ए बराबर ए इनवर्स हो गया फिर ये दो जनक दोनों होंगे दोस्तों, फिर तो नहीं होगा। तो मेरे को ये सिद्ध करना है कि a नॉट इक्वल टू a इनवर्स, अगर a नॉट इक्वल टू a इनवर्स हो जाएगा तब आप बोलोगे कि a और a इनवर्स दो अलग अलग जनक हो गए, ठीक है ना। तो अब हमें सिद्ध करना है कि अब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, a है a इनवर्स दोनों क्या है, दोनों अब हमें सिद्ध करना है कि ए और ए इनवर्स दोनों अलग अलग है। अच्छा दोनों को अलग अलग सिद्ध करेंगे तभी तो दो जनक होंगे, तो इसको मैं विरोधाभास से सिद्ध कर दूंगा। तो मैं लिखता हूं विरोधाभास से बनाओ विरोधाभास से मैं मान लेता हूं ए बराबर है ए देखो उल्टा मान रहा हूँ तो लास्ट में रिजल्ट गलत आ जाएगा, फिर मैं बोलूंगा कि अपने जो माना था वो गलत है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे। विरोधाभास से मान लिया आपने ए बराबर ए इनवर्स, आप दोनों का ए से संक्रिया करा दो ए डॉट ए बराबर ए इनवर्स डॉट ए, और ये आइडेंटिटी हो कहने का मतलब ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए बराबर टू हो गया, लेसन इक्वल टू टू से छोटा तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा ना, फिर वो जनक नहीं कहलाएगा तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर टू। अच्छा ऑर्डर ऑफ ए बराबर टू हो गया तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर टू, ऑर्डर ऑफ ए बराबर टू है तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर टू, क्यों ऑर्डर ऑफ जी बराबर टू क्यों, क्योंकि ए है वो इस ग्रुप का जनक है और जनक ऑर्डर टू के ऑर्डर के बराबर है, तो ये आ गया। बताओ ये चीज़ तो गलत आ गई ना, क्योंकि आपने तो ग्रुप को इनफाइनाइट माना है तो इसको ऑर्डर फाइनाइट कैसे कर सकता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनाइट नंबर, तो ये गलत आ गया। तो एक बार यहाँ तक आप देखो दोस्तों, अब देखते हैं आगे तो लिखेंगे जो कि ऐसा क्या है, क्योंकि आपने तो ऑर्डर ऑफ जी को क्या माना है इनफाइनाइट, जो कि ऐसा क्या है अतः है, इसका मतलब जो माना था वो गलत था, अतः है ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स, इसका मतलब पहले तो आपने दो जनक बताए क्योंकि यहां से ये बता दिया कि दोनों जनक क्या है अलग अलग है, अर्थात ग्रुप जी में, अर्थात ग्रुप जी में ए बाई ए इनवर्स ए बाई ए इनवर्स दोनों क्या है अलग अलग जनक है, दोनों अलग अलग या भिन्न जनक। अब तो इतना तो हो गया दोनों को अलग अलग बता दिया, लेकिन ये बता रहे हैं दो और केवल दो, इसका मतलब ये है कि दो तो हो गए चलो ठीक है, लेकिन इनके अलावा कोई तीसरा नहीं बना चाहिए, ए और ए इनवर्स दो जनक हो गए लेकिन इनके अलावा कोई तीसरा जनक नहीं बनना चाहिए, तो आप कोई तीसरा जनक मान के चलो और फिर लास्ट में बता देंगे कि अपन ने जो माना था वो सत्य था, इसका मतलब तीसरा जनक बन ही नहीं सकता, दो तो हो ठीक है, लेकिन अब आप विरोधाभास से कोई तीसरा जनक मान के चलेंगे और फिर बता देंगे अपन ने जो माना था वो गलत है, इसका मतलब दो और केवल दो जनक हो गए, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं लिख देता हूँ जो हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि अब हमें सिद्ध करना है कि जी में ए है ए इनवर्स के अलावा
जी में कब विजिट करना है, जी में लिए हुए एक वर्ष के अलावा कोई भी, कोई भी। तीसरा दरक कोई भी अन्य दरक उपस्थित नहीं है, अन्य दरक उपस्थित नहीं है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो अपन मान लेते हैं विरोधाभास से माना a की पावर है, तो साथ में m नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, m नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, क्योंकि m बराबर प्लस वन के लिए तो क्या है बराबर माइनस वन के लिए। विरोधाभास से माना a की पावर माइनस m g का कोई अन्य चर है, ये आपने कोई अन्य चर मान लिया है a की पावर है, इन दोनों के अलावा तीसरा चर मान लिया a की पावर है, g का कोई अन्य चर है। अब बताओ जनक है तो क्या हुआ, आता है जनक है तो जी के प्रत्येक एलिमेंट को ए की पावर एन जी को कम संख्या में लिखेंगे, अतः जी के प्रत्येक एलिमेंट को, अतः जी के प्रत्येक अवयव को ए की पावर एन जी घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ए की पावर एम जी को व्यक्त किया जा सकता है, अतः यदि मान लो ए कोई एलिमेंट जी व एम कोई पूर्णांक है वो तो अब देखो जैसे ए एलिमेंट, ए एलिमेंट को अब ए की पावर एम को जनक माना है और ये कोई अन्य एलिमेंट है, तो a की पावर m की पूर्णांक धातु के रूप में लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, इस एलिमेंट के लिए a की पावर n को जरा है और n कोई भी इंटीजर है, तो इसको इस एलिमेंट की इंटीजर फॉर्म के रूप में लिखा जाएगा, g की प्रत्येक एलिमेंट को, तो g का एलिमेंट आपने a मान लिया तो इसको ये a की पावर m को पूर्णांक धातु के रूप में लिख दिया। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ a बराबर a की पावर m है। अब देखो ए एलिमेंट जी में है और जी ग्रुप है, तो बताओ ए इनवर्स होगा वो भी जी में होगा या नहीं होगा, होगा और ए इनवर्स से संख्या करवा सकता हूँ, तो के दो के इनवर्स बराबर ए की पावर एम है दो के इनवर्स, तो ये बनेगा आइडेंटिटी बराबर ए की पावर एम एन माइनस वन, फिर यहाँ से ओवर ओ ए लेस देन इक्वल टू एम एन माइनस वन। तो बताओ देखो फाइनाइट है, फाइनाइट क्या है, एम इनफाइनाइट है, एम इनफाइनाइट है, दोनों इंटीजर है माइनस वन, इसको ये फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ जी भी फाइनाइट हो गया, क्यों, क्योंकि ए का ऑर्डर ऑफ उतना ही तो जी का ऑर्डर होगा, क्योंकि ए है वो तो जी का चरक है, जो कि उन्हें असत्य है ये गलत बात है, जो कि उन्हें तो इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर n जैसा जनक हो ही नहीं सकता, a की पावर n जैसा जनक हो ही नहीं सकता, गलत आ गया ना, a की पावर n को जनक मान तो गलत रिजल्ट मिल गया आपको, तो आप बोलोगे अतः स्पष्ट है कि g में केवल दो जनक जी के लिए दो जनक है, क्या है ए और ए इनवर्स है। तो पहले तो दोस्तों अपन ने क्या किया, ए को जनक माना और ए इनवर्स को जनक माना, तो यहां तक तो कोई क्या है दोनों नंबर वन में था, फिर ए और ए इनवर्स जनक हो गए ना, दोनों को अलग अलग भी पता नहीं, तभी तो ये दो होंगे भाई, ए और ए इनवर्स है, मान लो दोनों सेमी हो गए, आपका जो एलिमेंट है वो सेल्फ इनवर्स हो गया, आपका दो ऑर्डर का एलिमेंट हो गया, उसमें तो ए और ए इनवर्स बराबर हो जाते, फिर दोनों जनक कहाँ हो गया, अलग दोनों जनक अलग अलग नहीं हुए ना, तो अपन ने दोनों को अलग अलग से किया विरोधाभास से लेके, चलो दोनों अलग अलग हो गए, दो जनक भी हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। अब दोस्तों अपने को ये बताना है कि केवल दो ही है, केवल दो ही है, इसका मतलब ये है कि कोई तीसरा नहीं है, तो आप तीसरा नहीं है ये बताना है, तो कोई तीसरा मान लो, तो आपने एक ही पावर एम मान लिया,
अब एक ही पावर एम मान लिया तो जी के प्रत्येक एलिमेंट को एक ही पावर एम की पूर्णांकातु में लिख सकते हैं, क्योंकि जी के प्रत्येक एलिमेंट को चक्रीय रूप में जनक की पूर्णांकातु में लिख सकते हैं, तो पूर्णांकातु में लिख दिया तो वो भी गलत आ गया। इसका मतलब तीसरा जो जनक है वो भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये रिजल्ट आया है कि जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके एग्जैक्टली दो जनरेट होते हैं। अगर जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके एग्जैक्टली कितने जनरेट होते हैं? दो जनरेट होते हैं। दोस्तों ये अपने को करना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। थ्योरम को राइट डाउन करवाओ और इसको समझो ध्यान से। अब दोस्तों एक थ्योरम हो गया, उसके बाद में थ्योरम्स वगैरह हो जाएंगे।